अभी हम लोग का लोगो जो है थोड़ा स्टार्ट मतलब प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसीलिए 30 मिनट से वेट कर रहा हूँ डॉक्टर का, अभी तक कोई पता भी नहीं है। टेस्ट हो चुके हैं 50% का, इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर ने यही बोला था हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, मैं हूँ यार, आप देख रहे थे YMG। आशा करते हैं आप ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज थोड़ा बाहर जाना है मुझे डॉक्टर के पास, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। और ऐसे भी छुट्टी है, सैटरडे संडे, आज 2 अक्टूबर है, तो गांधी जयंती के लिए आज भी छुट्टी, संडे तो ऐसे ही हॉलीडे रहता है। तो सोचा मैंने अभी टाइम है 2 दिन, तो इस टाइम को मैं ट्रीटमेंट कर लेता हूँ मेरा दाँत का। और तो चलते हैं, चलो सुफियान भाई भाई मिल आते हूँ। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, अभी जस्ट हमने हेगड़े नगर क्रॉस किया है, और अभी हम लोग का लोगो जो है थोड़ा स्टार्ट मतलब प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसीलिए थोड़ा रुके हैं। और ये शामिमदा है, और तो अभी चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ ये वाला डेंटल क्लिनिक में। और तो गाइस अभी डॉक्टर आया नहीं है, तो वेट करते हैं डॉक्टर के। और डॉक्टर थोड़ा मैंने कॉल किया था डॉक्टर को, जस्ट वो अभी आने वाला है, फिर वेट करने के लिए बोला, तो डॉक्टर आने दो, देखते हैं क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं। पिछले 30 मिनट से वेट कर रहा हूँ डॉक्टर का, अभी तक कोई पता भी नहीं है, तब से बोल रहा है आ रहा हो आ रहा हो, लेकिन शायद हम लोग ही प्लस टाइम में आ गए हैं, अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए शायद लंच करने भी जा सकता है। और देखते हैं वेट करते हैं कब तक आ रहा है। दोपहर का 2 बज चुका है, और बहुत भूख भी लगा है, लेकिन डेंटल डॉक्टर के पास आया तो मैं खा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहले चेकअप करना होगा तब जाके मैं खा सकता हूँ, लेकिन अभी खा के गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए खा भी नहीं सकता। डॉक्टर आ चुका है जस्ट अभी, और मुझे अंदर जाना है चेकअप के लिए, और चेकअप के बाद आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ था मेरे पीठ को। उसके बाद तो गाइस मेरा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो चुका है, अंदर कुछ तो किया होगा और पता नहीं क्या किया, और सेकंड स्टेप थोड़ी देर पर स्टार्ट करेगा, थोड़ा बाहर ही रेस्ट लिया है, और अंदर सो रहा है, सुनने दीजिए तो सुनने। बाहर बारिश स्टार्ट हो चुका है, और इरा हम लोग का भोगो, पता नहीं कैसे जाएंगे अभी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितना वेट। सिर्फ आज तो पूरा दिन वेट ही कर रहा है, पहले भोगों के लिए वेट किए, उसके बाद डॉक्टर के लिए वेट किए, खाने के लिए वेट कर रहे हैं, अभी बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। बस अभी सेकंड स्टेप का बात हो रहा है, इधर डॉक्टर जी और शामिंदा मुझे हेल्प कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लाइट अच्छा हो रहा है। तो गाइस मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, अभी घर जाना है, घर जाने से पहले बारिश भी हो रहा है, तो थोड़ा हेगड़े नगर पहुँच चुके हैं, और भोगो जी हम एंट्रेड कर चुका है, स्टैंड में रख चुके हैं, अभी कुछ खाना है लेकिन खा नहीं सकता, डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है, और उसको बहुत भूख लगा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं खाया मॉर्निंग से, उसको कुछ खिलाना पड़ेगा, और मुझे शायद मैं जूस खा सकता हूँ, अभी जूस खाते हैं और इसको जो खिलाना है। तो गाइस जस्ट अभी हमने बस पकड़ा है और खाना पीना कर लिया, थोड़ा कुछ जूस पिया और मेरा दोस्त कुछ खाना खाया, तो अभी रूम जा रहे हैं, रूम जाके मिलते हैं।
बस जस्ट अभी अभी रूम पहुंच चुका हूँ और ड्रेस चेंज किया जस्ट, और अभी IPL मैच देखना है, मुंबई और दिल्ली का मैच चल रहा है वो भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरे टीम के लिए, KKR के लिए। और आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, देखते हैं और चलते हैं मैच देखने। अभी अभी जस्ट मैंने मैच देखे फिनिश किया, अभी मुझे रूम जाना है, उससे पहले मैं मेरा दोस्त लोग को मीट करा दूँ, ये जो है इन दोनों ड्रीम इलेवन में टीम बना रहा है और ये अभी बिजी है, फ़ोन में बिजी है, मतलब सोच आप लोग को पता होगा बिजी है, मतलब समझ लीजिए भाई, समझ रहे हो ना। तो गाइस अभी बजे रात के 8 और खाना पकाना मेरा दोस्त ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, मैं था नहीं रूम में और मैं गया था दोस्त के रूम को IPL देखने के लिए, तो जस्ट अभी रूम में आया तो मैंने देखा खाना ऑलरेडी बन रहा है, तो अच्छा बात है। और ये रहा मेरा दोस्त अंदर, आपको दिखाई दे, थैंक यू शमिंदा खाना पकाने, थैंक यू शमिंदा खाना पकाने के लिए और आज पूरा दिन मेरे साथ में गुजारने के लिए। नहीं भाई तुम्हारी डेट था, ठीक है बना दिया ना, तुम्हारा डेट था, तुमने रात का तुम्हारा दिन में मेरा शिफ्ट है ना, तो थैंक यू आप, मतलब रात दिन में तो मैं था नहीं, तुम मेरे साथ ही तो चलो थैंक यू। आयशा दाल बनाया भाई, और क्या बनाएगा, तो अंडा लेके आ या चिकन लेके आ बाहर से। देख भाई मैं कुछ खा नहीं सकता क्योंकि मेरा दांत में, आप लोग को पता होगा मेरा दांत में क्या, मैं कुछ खा नहीं सकता इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं आज। नहीं भाई तो जब तक मेरा सुनो जब तक मेरा दांत ठीक नहीं होता तब तक रूम में दाल और भात ही होगा, और अंडा जो भी है, अंडा चिकन जो भी खाएंगे दो दिन तीन दिन बाद, ठीक है। वो सच बात है भाई, अंडा नहीं खाएगा तो तेरा वो न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, प्रोटीन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर दाल भात अंदर का नहीं, क्योंकि मैं खा ही नहीं सकता ना, मुझे डॉक्टर ने बोला क्या, नहीं डॉक्टर ने बोला मुलायम मुलायम है, वो भी डॉक्टर ने ये भी बोला है ज्यादा ख्याल रखना वो इन्फेक्शन ना हो जाए, हाँ ज्यादा ज्यादा अंडे बंदे खाने से इन्फेक्शन भी हो सकता है, डॉक्टर ने यही बोला था, याद करके जरा पानी भी पी लियो। अब पानी पी लूंगा, पानी पीने से क्या प्रॉब्लम होगा, ब्रश कर लो वो फेस दे, हाँ ठीक है वो कर लेंगे जो भी है, लेकिन दो दिन तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, दाल भात खा के गुजारना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद सोने का प्लान है, क्योंकि बहुत सिर दर्द हो रहा है और इधर थोड़ा दांतों में भी दर्द हो रहा है, मेडिसिन खा के सो जाऊंगा जल्दी से जल्द। और बिजली का इधर ही अन करते हैं, पता है वो छोटा हो चुका है क्योंकि कुछ शूट नहीं किया, जो भी था वो शूट किया क्योंकि आज बाहर गया तो कर लिया। तो गाइस वीडियो को इधर ही अन करते हैं, अब अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी है कर दीजिएगा, अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।